नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को सबसे पहले कैसे देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने का। दोस्तों आए दिन आप न्यूज और मीडिया पर देखते होंगे कि TCS का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है, इन्फोसिस का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है, रिलायंस का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है, SBI का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है। तो यह जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनका क्वार्टरली रिजल्ट आपको न्यूज में देखने को मिल जाता है, न्यूज वेबसाइट में देखने को मिल जाता है, शेयर मार्केट से जुड़े वेबसाइट्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। लेकिन यह जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट बड़ी आसानी से देखने को नहीं मिलता है। उनको देखने का भी तरीका आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट को पहले देखकर ट्रेडिंग करने का अपना एक बहुत बड़ा फायदा है। फायदा यह है कि अगर कंपनीज का क्वार्टरली रिजल्ट शाम को आता है और आपने शाम को ही पता कर लिया है कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसमें कंपनी का प्रॉफिट है, यानी कहीं न कहीं कंपनी के फेवर में अच्छा रिजल्ट आया है, तो अगले दिन स्टॉक की प्राइस काफी तेजी से ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, तो आप सुबह सुबह उस स्टॉक्स में एंट्री लेकर एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसी तरह अगर कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो आप चाहे तो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं या उस कंपनी में निवेश करने से या ट्रेडिंग करने से बच सकते हैं। इसीलिए आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखना जरूरी होता है। अगर आप न्यूज और मीडिया के माध्यम से क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो आपको जब तक रिजल्ट पता चलता है तब तक आप देखते हैं कि स्टॉक को जितना ऊपर जाना था या जितना नीचे आना था उतना जा चुका होता है, तो आप डायरेक्ट खुद से क्वार्टरली रिजल्ट देखें और उसके हिसाब से डिसीजन लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल में टाइप करेंगे moneycontrol.com। यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू moneycontrol.com। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारे सामने moneycontrol.com का होम पेज ओपन हो गया है। यहाँ एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मार्केट, जूम करके दिखाते हैं आपको। इस मार्केट वाले ऑप्शन पे ही हमें क्लिक करना है। यहाँ एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अर्निंग, इस अर्निंग वाले सेक्शन पे ही हमें क्लिक करना है। यहाँ स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिजल्ट कैलेंडर। यहाँ आपको जितने भी डेट दिख रहे हैं 1, 2, 3, इसके नीचे एक लाल रंग का अंडरलाइन दिख रहा होगा आपको, मतलब इस दिन किसी न किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया है। और जिस भी डेट के नीचे अंडरलाइन नहीं है, जैसे यहाँ पर 6 तारीख में अंडरलाइन नहीं है, ठीक है, 13 तारीख में अंडरलाइन नहीं है, इस तरह जिन जिन डेट के नीचे अंडरलाइन नहीं है मतलब उस दिन किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया। जैसे मान के चलो 11 तारीख वाले डेट पर हम क्लिक करेंगे तो अभी देख सकते हैं इसके नीचे बहुत से कंपनी का नाम आ गया जिनका जिनका रिजल्ट 11 तारीख को आया है या आने वाला है। 15 तारीख का कौन कौन से कंपनी का रिजल्ट आया है तो उस 15 तारीख वाले डेट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे बहुत से कंपनी का नाम आ गया, SpiceJet, जिनका क्वार्टर रिजल्ट 15 तारीख को आया है। तो ये एक तरीका हो गया जिससे आप देख सकते हैं कि किस तारीख को कौन कौन से कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। और यहाँ एक अपकमिंग रिजल्ट, जहाँ पर टुडे कौन कौन सा रिजल्ट आया है, तो आज किसी का रिजल्ट नहीं आया है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, कल भी कोई रिजल्ट नहीं आया तो कल भी आप चेक सकते हैं। यहाँ इधर साइड में एक ऑप्शन आपको और दिख रहा होगा रिजल्ट अपडेट्स, यहाँ एक रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं नीचे आपको हर कंपनी का रिजल्ट, 15 सितंबर को SpiceJet का रिजल्ट आया था तो वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए SpiceJet का रिजल्ट, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर का। तो आप यहाँ से पढ़ के उस कंपनी के बारे में जान सकते हैं कि उसका रिजल्ट कैसा था। उसी तरह यहाँ एक ऑप्शन और है, रिजल्ट अपडेट है ना, उसके बगल में एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा व्यू ऑल, इस वाले ऑप्शन पे ही अगर हम क्लिक करते हैं तो अभी देख सकते हैं हमारे सामने उन सारी कंपनियों का लिस्ट आ गया है जिनका रिजल्ट किस तारीख को आया है या आने वाला है। यहाँ स्टॉक का नाम दिया गया है, यहाँ डेट दिया गया है कि किस तारीख को उसका रिजल्ट आया है या आने वाला है, उसकी लाइव प्राइस क्या चल रही है वो बताया गया, कितने परसेंट चेंजिंग है वो यहाँ पर 52 वीक हाई और 52 वीक लो, ठीक है। यहाँ आप एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा और
बाय फिल्टर। तो यहाँ आप स्पेसिफिक डेट को सेलेक्ट करके उसका क्वार्टर रिजल्ट देख सकते हैं, यहाँ आप सेक्टर वाइज रिजल्ट देख सकते हैं, और यहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम सर्च करेंगे तो उनका रिजल्ट आप देख सकते हैं। यहाँ जैसे हम सेक्टर पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर एग्री, अल्कोहल, एविएशन, बैंक, ऐसे करके सेक्टर वाइज आप उनका रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ डेट पर क्लिक करोगे तो अभी डेट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप जिस भी डेट को सर्च करके उनका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ सर्च में अगर आप सर्च करके जैसे रिलायंस, इंफोसिस, किसी भी कंपनी का नाम सर्च करोगे तो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा, उस कंपनी का रिजल्ट कब आने वाला है और किस डेट को। अब बात करते हैं अगर स्मॉल कैप का रिजल्ट देखना है या मान लीजिए मिड कैप का रिजल्ट देखना है और या उसी कंपनी का डिटेल में आपको अगर देखना है रिजल्ट तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम गूगल में टाइप करेंगे BSE इंडिया। तो यहाँ जो BSE इंडिया का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि हम अभी BSE इंडिया के होम पेज पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कॉरपोरेट, दिखा, ये जो कॉरपोरेट का जो ऑप्शन है इसी पे हमें क्लिक करना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कॉरपोरेट अनाउंसमेंट, ये जो ऑप्शन है कॉरपोरेट अनाउंसमेंट, इस वाले ऑप्शन पे ही हमें क्लिक करना है। तो देखिए अभी हमारे सामने 29 सितंबर जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं किस किस कंपनी का रिजल्ट आया है वो आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ बहुत से कंपनियों के नाम, स्मॉल कैप, मिड कैप, लगभग सारी कंपनियों के नाम यहाँ पर दिया गया है जिनका रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। ये लास्ट में एक PDF का लोगो बना होगा, ठीक है, इस लोगो पे अगर हम क्लिक करते हैं ये जो PDF फाइल है यह डाउनलोड हो जाएगा और उस कंपनी का रिजल्ट और फाइनेंशियल आपको बहुत डिटेल में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए किसी कंपनी का रिजल्ट चेक करते हैं, फर्स्ट वाले पे ही हम क्लिक करते हैं तो PDF अभी हमारा डाउनलोड हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं नवनीत जो कंपनी है उसका क्वार्टरली रिजल्ट ओपन हो गया। ठीक है, ये 14 पेज का है तो यहाँ पर आप उसका डिटेल में उस कंपनी का फाइनेंशियल और रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ सारा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कुछ कुछ जो फाइनेंशियल वाला रेशियोज वाले जो ऑप्शन है उन्हीं को आप चेक करें तो अच्छा रहता है, उसका रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सब जो है उसको चेक करके आप पता कर सकते हैं कि रिजल्ट कंपनी का अच्छा आया है या खराब। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ और भी बहुत से कंपनियों का नाम दिया गया है, PDF वाला जो ये लोगो है उस पर आप क्लिक करोगे तो फिर वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक ऑप्शन और भी है, जैसे आपको सेगमेंट मान लीजिए इक्विटी है और भी दूसरे सेगमेंट का देखना रिजल्ट, यहाँ डेप्थ का देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड का, बहुत से तो इक्विटी का रहने देते हैं हम। अगर आपको डेट बाय चाहिए मतलब कहाँ से लेकर फ्रॉम टू रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कैटेगरीज वाइज भी आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, यहाँ एक ऑप्शन आपको और दिख रहा होगा, आप यहाँ कंपनी का नाम भी सर्च कर सकते हैं और फिर ये सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका सामने उस दिन उस कंपनी का नाम और उसका पूरा डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगा, फिर वहाँ से आप उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप किसी भी कंपनी का रिजल्ट इंस्टेंट देख सकते हैं, मतलब जिस दिन उसका रिजल्ट आया है, जिस समय आया है उसी समय आप उसका रिजल्ट चेक कर सकते हो, मतलब मनी कंट्रोल से भी 10-5 मिनट पहले आप इसमें रिजल्ट देख सकते हैं। एक और तरीका है जिससे आप उस किसी भी कंपनी के रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, तो गूगल में टाइप करेंगे स्टॉकएज वेब, तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये जो है ना स्टॉकएज वेब, इसी पे क्लिक करेंगे। स्टॉकएज का मोबाइल ऐप भी आता है, आप मोबाइल ऐप का यूज करके भी इसको चेक कर सकते हैं, सेम ही है दोनों का जो लेआउट है। यहाँ एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ये जो है ना न्यूज एंड अपडेट्स, तो सबसे पहले हमको इस पर क्लिक करना है, डेली अपडेट्स ओपन हो गया है। यहाँ आपको एक ऑप्शन और दिख रहा होगा फोर्थ कमिंग, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे ही हम क्लिक करेंगे। यहाँ एक ऑप्शन और है ये रिजल्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस डेट को किन किन कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, जैसे 30 सितंबर 2020 को जिन जिन कंपनी का रिजल्ट आने वाला है वो यहाँ पर दिया गया नाम, तो आप देख सकते हैं कि किस डेट को किस किस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। अब रही बात इनका रिजल्ट देखना है तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिख रहा हो लास्ट वाले कॉर्नर पे, ठीक है, रिजल्ट, तो इस वाले ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए
जिन जिन कंपनियों का रिजल्ट आया है वह यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, दो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, कंसोलिडेटेड भी देख सकते हैं और स्टैंडर्ड लोन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे बहुत से कंपनी का रिजल्ट ओपन है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अगर जिसका रिजल्ट आपको देखना है, जैसे प्रताप स्नैक्स का रिजल्ट देखना है, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी देखिए हमारे सामने पूरा जो उसका रिजल्ट है वो ओपन हो गया है। नेट सेल्स, ईबिटा, सब कुछ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं उस कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है। स्टैंडर्ड लोन में चेक करना है तो स्टैंडर्ड लोन वाले सेक्शन पे क्लिक कर दो तो स्टैंडर्ड लोन में आप कंपनी का रिजल्ट को देख सकते हैं। यहाँ तीन ऑप्शन है, क्वार्टरली रिजल्ट भी चेक कर सकते हो आप, हाफ ईयरली भी चेक कर सकते हो और एनुअल भी। तो ये भी एक तरीका है जहाँ से आप किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट को बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, तो हमने तो आपको ये तीन तरीका बताया जहाँ से आप किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को बड़े ही आसान तरीका से देख सकते हैं। चाहे वो मिड कैप कंपनी हो या चाहे वो लार्ज कैप या स्मॉल कैप, सबका रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये देखना है कि बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को कैसे चेक कर सकते हैं तो ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ मैंने आपको बताया है कि कोई भी बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को कैसे चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को जाके जरूर देखें, वहाँ से भी आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसे ही फाइनेंस और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक जहां भी रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।